हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायर क्रॉप साइंस की हाइब्रिड धान की पांच ऐसे वैरायटी के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर हैं हमारे देश भारत में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 6444 गोल्ड धान के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए तो दोस्तों, बात कर लेते हैं 6444 गोल्ड धान के बारे में। अराइज 6444 गोल्ड धान भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला हाइब्रिड धान है। अराइज 6444 गोल्ड धान के पौधे की लंबाई के बारे में बात करें तो पौधे का लंबाई 105 से 110 सेंटीमीटर रहता है और इसका तना बहुत ही मजबूत रहता है। इस वजह से विपरीत परिस्थिति में भी धान गिरता नहीं, खड़ा ही रहता है। यह धान BLB प्रतिरोधी किस्म है। BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। यह धान की बाली लंबा होता है और इसके दाने की बात करें तो इसका दाना मध्यम मोटा होता है और यह धान सूखा अवरोधी किस्म है। सूखा अवरोधी किस्म होने के कारण कम पानी गिरने पर भी धान पककर तैयार हो जाता है। बात कर लेते हैं इस धान की पकने की अवधि के बारे में तो 135 दिन से 140 दिन के भीतर यह धान पककर तैयार हो जाता है। इस धान की कल्ले के बारे में बात करें तो इस धान के एक पौधे में 12 से 15 कल्ले बड़ा ही आसानी से निकल आता है। इस धान की उत्पादन की बात करें तो यह धान प्रति एकड़ 28 से 30 क्विंटल के बीच में उत्पादन देता है। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो रोपाई में 6 केजी और डायरेक्ट बुआई से 12 केजी बीज लगता है। ये हो गया दोस्तों 6444 गोल्ड धान के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं अराइज AZ 8433 DT धान के बारे में। अराइज 8433 की पकने की अवधि के बारे में बात करें तो यह धान 130 से 135 दिन के भीतर में पककर तैयार होता है। यह धान की पौधे की लंबाई के बारे में बात करें तो इस धान की पौधे की लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर के आसपास होता है और तना बहुत ही मजबूत रहता है। यह धान BLB और BPH के प्रति सहनशील किस्म है। BLB यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और BPH माने ब्राउन प्लांट हॉपर, बुरा माहू के प्रति सहनशील किस्म है। कहने का मतलब यह दोस्तों, यदि हम दूसरे धान में 3 से 4 स्प्रे भूरा माहू के लिए करते हैं तो इस धान पे केवल एक ही बार में काम चल जाता है। इस धान की एक पौधे में 12 से 18 कल्ले बड़ा ही आसानी से निकल आते हैं। दोस्तों, इस धान की बाली लंबा रहता है और दानों की बात करें तो इस धान का दाना वजनदार और चमकदार रहता है। प्रति एकड़ उपज की बात करें तो 25 से 30 क्विंटल आसानी से एक एकड़ में उत्पादन आता है इस धान का। और प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो नर्सरी लगाकर रोपाई करने पर 6 केजी और डायरेक्ट सिंचाई करने से 10 से 12 केजी बीज लगता है। दोस्तों, तो ये हो गया अराइज 8433 के बारे में जानकारी। अब हम बात करने वाले हैं हमारे जो तीसरे नंबर का धान है उसके बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बायर अराइज का 6129 गोल्ड धान के बारे में। 6129 गोल्ड धान 110 से 115 दिन के बीच पककर तैयार हो जाता है। 6129 धान कम अवधि में अधिक पैदावार देने वाला धान है। इस धान की पौधे की लंबाई की बात करें तो इस धान का पौधे का लंबाई 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है और तना बहुत ही मजबूत रहता है। इस वजह से यह धान विपरीत परिस्थितियों में भी गिरता नहीं है। अराइज 6129 धान BLB यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट प्रतिरोधी किस्म है। यह धान कम अवधि के होने के कारण यदि बारिश कम होता है तो भी पककर तैयार हो जाता है।
इस धान की बालियां लंबा गुच्छेदार रहता है और इसका दाना वजनदार चमकदार आकर्षक रहता है। अराइज 6129 गोल्ड धान की एक पौधे में 15 से 17 कल्ले आसानी से निकल आते हैं। अराइज 6129 गोल्ड के उपज की बात करें तो यह प्रति एकड़ 25 से 28 क्विंटल उत्पादन देता है। यहीं इसका बीज दर की बात करें प्रति एकड़ तो यह धान रोपाई में 6 केजी बीज लगता है और डायरेक्ट बुआई करने से 10 से 12 केजी बीज लगता है। दोस्तों ये तो था अराई 6129 गोल्ड के बारे में जानकारी। अब बात करने वाले हैं चौथे नंबर का जो धान है उसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं अराइज धनी धान के बारे में। अराइज धनी उच्च कोटि का हाइब्रिड धान है। अराइज धनी पकने की अवधि के बारे में बात करें तो यह धान 130 से 140 दिन के भीतर में पककर तैयार होता है। इस धान का बाली लंबा होता है और दाने के बारे में बात करें तो इसका दाना मध्यम पतला होता है। अराइज धनी की पौधे की लंबाई के बारे में बात करें तो इसका पौधे का लंबाई 110 से 115 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अराइज धनी के एक पौधे में 12 से 15 कल्ले आसानी से निकल आते हैं। अराइज धनी की उत्पादन की बात करें तो यह 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देता है। वहीं इसका बीज दर की बात करें तो 6 केजी रोपाई में बीज लगता है और डायरेक्ट बुआई करने से 10 से 12 किलो बीज लगता है। दोस्तों ये तो हुआ अराइज धनी धान के बारे में। अब बात करेंगे हम हमारे जो पांचवा नंबर का धान है उसके बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे अराइज का तेज गोल्ड धान के बारे में। अराइज का तेज गोल्ड धान कम पानी में भी अधिक पैदावार देने वाला धान है। तेज गोल्ड धान की पकने की अवधि के बारे में बात करें तो इसका समय है 120 से 125 दिन के भीतर में यह धान पककर तैयार हो जाता है। यह धान जीवाणुजनक झुलसा रोग के प्रति सहनशील किस्म है, यानी कि BLV प्रतिरोधी किस्म है। तेज गोल्ड धान की पौधे की लंबाई के बारे में बात करें तो इसका पौधे का लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। तेज गोल्ड धान की बाली लंबी होती है, गुच्छेदार रहता है और हर दाने में भराव रहता है। इसके दाने की बात करें तो इसका दाना पतला रहता है। तेज गोल्ड धान का चावल खाने के लिए उत्तम है। तेज गोल्ड धान की एक पौधे की कल्ले की संख्या के बारे में बात करें तो तेज गोल्ड धान का एक पौधा में 12 से 15 कल्ला आसानी से निकल आते हैं। इस धान की उत्पादन के बारे में बात करें तो यह धान 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन देता है। साथ ही साथ इसका बीज दर की बात करें तो 6 किलो प्रति एकड़ रोपाई में लगता है और डायरेक्ट सिंचाई करने से 10 से 12 किलो बीज लगता है। दोस्तों ये था बायर क्रॉप साइंस की टॉप 5 हाइब्रिड धान की वैरायटी जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।